द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यह है भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी छट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा होगा, बीच बीच में तालियां बजा के इनकरेज कीजिए इन लोगों का।
ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक में होंगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा ले। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। आज भी हीराधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सगा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका को पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। समझो मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे ना होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन ब्राह्मण, आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज,
प्यार से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।